सोनीपत में पिछले 24 घंटों में कोविड 19 के 68 नए पॉजिटिव मामले दर्ज की गई हैं। अब जिला में कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामलों का कुल आंकड़ा 1386 हो गया है। जिला में अभी तक 19 मरीज कोरोना से अपनी जान भी गंवा चुके हैं। जिला स्वास्थ्य विभाग से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर उपायुक्त ने जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा में गुरुग्राम और फरीदाबाद के बाद सोनीपत जिला कोरोना से सबसे ज्यादा प्रभावित जिला माना जा रहा है। तो 68 पॉजिटिव केसेस डिटेक्ट हुए हैं, 41 लोग कल डिस्चार्ज हुए स्वस्थ होकर। तो अभी तक टोटल यदि सैंपल की हम बात करें तो 20,359 कल शाम तक सैंपलिंग हो गई है, जिसमें से 20,096 के रिजल्ट आ गए और 1386 पॉजिटिव टोटल हो गए हैं जिले में। उनमें से 841 स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं, 18 मौतें हुई हैं और एक्टिव केसेज अभी 527 हैं। कंटेनमेंट जोन्स जिले में अभी 145 हैं, जिनको रिव्यू करके हम 88 इनकी संख्या आज हो जाएगी। तो बाकी जो अभी इंडस्ट्रीज़ वगैरह में जो अभी नया एंटीजन रैपिड टेस्ट एक आया है, उससे अब सैम्पलिंग जो है डेली की वो नंबर्स उसके हम बढ़ाने की जो उसमें मंशा रखते हैं, तो आने वाले समय में नंबर ऑफ सैंपल्स भी 1000 के लगभग हो जाएंगे। जानकारी देते हुए सोनीपत उपायुक्त श्यामलाल पूनिया ने बताया कि सोनीपत में पिछले 24 घंटों में 68 नए मरीज सामने आए हैं, जिसमें से राई इंडस्ट्रियल एरिया स्थित फिम नाम की कंपनी से सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। सोनीपत में अब कुल कोविड से संक्रमित मरीजों की संख्या 1386 हो गई है। भारत 9 के लिए सोनीपत से पवन राठी की रिपोर्ट।